मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नए ब्लॉग पे। और हम जस्ट अपना नाइट ड्यूटी खत्म करके आए हैं। दूसरी यहाँ पे जो है बाबू लोग के लिए मैगी बना रही है और हम भी हल्का हल्का नाश्ता कर लिए है। अभी मार्केट निकल रहे हैं सब्जी वगैरह कुछ लाने के लिए। और दाढ़ी भी मेरा बढ़ गया है, अगर सैलून खाली रहा तो बना लेंगे। ऐसे रोज़ सोच रहे कि आज बनाएंगे कल बनाएंगे, फिर बृहस्पतिवार आ जा रहा है, फिर शनिवार आ जा रहा है। चलिए निकलते हैं मार्केट और मार्केट से जो भी सब्जी वगैरह लेकर के आना है लेके आते हैं। सो हम आ गए हैं मार्केट से सब्जी वगैरह लेकर के। यहाँ पे देखिए सब्जी का झोला रखा हुआ है। और एक चीज़ और हम लेकर के आया है, उसके बारे में बताते हैं आपको बाद में। और साथ में जो है दाढ़ी हम नहीं बना पाए क्योंकि जो है दुकान में बहुत भीड़ था। आज संडे है और संडे में तो भीड़ होता ही है, फालतू में 2-3 घंटा मेरा बर्बाद होता है, तो कल बना लेंगे फिर। और चलिए हम क्या लेके आए हैं दिखाते हैं आपको। जैसा कि हम एक वीडियो में बताए थे कि हम अपना हर महीने का सैलरी से कुछ पौधा खरीदेंगे, 2 पौधा तो हम खरीद के लाए थे। एक ये वाला लेके आए थे जो लगा है, और यहाँ पे एक ये वाला लगा है नीलमूली, जो कि बहुत अच्छा बढ़ चुका अभी तक। तो इस बार हम फिर एक और पौधा खरीद के लाए, बहुत दिन से सोच रहे थे लाने का, नहीं ला पा रहे थे, घर भी चले गए थे। और आधा महीना बीत चुका है तो हम ये वाला पौधा लेकर के आए हैं और इसको निकाल के दिखाते हैं कि क्या है कैसा है। संतोषी थोड़ा इधर आना तो हेल्प करना, तो ठीक है उसको वैसे ही रहने दो, उसको बाद में मिट्टी ला के लगाएंगे। तो ये वाला जो पौधा है हमको बहुत अच्छा लगा, और इसको जो है हिंदी में बोलते हैं हम लोग अड़हुल फूल, बंगाली में बोला जाता है जवा फूल, और इंग्लिश में तो जानती है कि हिबिस्कस बोलते हैं। तो एक और पौधा हम खरीद लिए अपने बालकोनी के लिए। और ये वाला पौधा जो है देखिए इसका पत्ता सड़ते जा रहा है, हम उसको बताए नर्सरी वाला को, तो वो हमको जो है ये एक स्प्रे दिया है, इसको कहा है कि आप स्प्रे कीजिए अपने सभी पौधों में, तो जो भी प्रॉब्लम वगैरह है पत्ता में तो वो ठीक हो जाएगा। कचौड़ी निकाल लिया, हाँ समोसा भी है यहाँ पे जो है, कचौड़ी और समोसा निकाल रहा है जो अभी हम मार्केट से लेकर के आए हैं। एक्चुअली जो है हम लोग देख रहे थे एक ब्लॉग, तो उसमें जो है मतलब हम लोग का फेवरेट ही ब्लॉग है, उसको हम लोग देखते हैं हम दोनों संतोषी और ये हम, तो उसमें वो लोग सिंघाड़ा और जलेबी खा रहा था, तो हम लोगों को खाने का मन कर गया तो मार्केट से हम लेकर के आ गए। और देखिए मेरा सेविंग भी हो गया है, हम घर में ही बना लिए। तो यहाँ पे शिवम जो है यहाँ पे अभी समोसा पार्टी या कचौड़ी पार्टी होगा, शिवम सजा लिया है बढ़िया से, और दिविशा भी पूरा खुश है, उसको कचौड़ी बहुत पसंद है। तो अभी हम लोग खाएँगे समोसा कचौड़ी। तो यहाँ का जो कचौड़ी है बहुत ही खस्ता और बहुत ही गजब का है, गजब। 8 बज गया है और दिविशा सिर्फ मेरा गोदी आने का कोशिश कर रहा है बार बार, इसको हम ले नहीं गए गोदी। और इधर जो है संतोषी रात का खाने का तैयारी कर रहा है, रोटी बन गया है, ठीक है। तो बस अब खा पी करके निकलेंगे ड्यूटी। और जैसा कल स्थिति था, कल मॉर्निंग जाते समय बारिश पड़ रहा था, अभी भी बारिश पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं, बारिश है मेरा नसीब में। Tomorrow. पढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी बच्चा जिद करने लग जाता है तो गुस्सा भी उठ जाता है। और उठने से याद आया कि हम अभी 9:30 बजे सूत करके उठे हैं, क्योंकि वही नाइट ड्यूटी से आए थे, सो गए थे, सो अभी नाश्ता भी नहीं खाया है। तो अभी संतोषी हमको नाश्ता, संतोषी नाश्ता दे दो, फिर हम पानी पी लिए हैं। का अभी तक नहाना धोना नहीं हो पाया, लेट हो गया है पढ़ाने के चक्कर में। नहा लेते हैं, अभी संतोषी पढ़ा रही है तो उससे पहले जा कर के हम नहा लेते हैं, क्योंकि हमको जाना है शिवम का स्कूल, क्योंकि हम जो इस महीना का पेमेंट जमा किए थे स्कूल ऐप के थ्रू, स्कूल का एक ऐप है उसके थ्रू हम पेमेंट जमा किए थे ऑनलाइन, लेकिन वो अभी तक अपडेट नहीं दिखा रहा है, मतलब अभी दिखा रहा है कि मेरा पैसा बाकी है, ड्यू है। तो आज हम उस प्रॉब्लम को जाके सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हम जो कल फूल का घास लेकर के आए थे, और दो कितना खूबसूरत सा फूल हुआ है, और शिवम यहाँ उदास होके बैठा है। देखिए क्या बात है, क्या हुआ शिवम, क्यों उदास है, क्या हुआ, मम्मी डांटी तुमको, तो क्या बात है, क्या बात है बोलो, तुम डांटी ना इसको पढ़ाते समय, ओ अच्छा अच्छा चलिए जी, नहा धो के हम रेडी हो गए हैं, अब निकलते हैं स्कूल।
जाती है। हम स्कूल पहुंच गए हैं, वो गेट से अंदर घुस जाते हैं स्कूल से, घुसना होगा। तो ये है सेंट में स्कूल माल लगा, सो उधर ऑफिस है, चलिए ऑफिस में जाके बात करते हैं। सो मेरा काम हो गया है, जो मेरा फी यहाँ पे दिखा रहा ड्यू उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, और साथ ही हम एक टाई भी खरीद लिए। तो ये टाई शिवम के लिए नहीं खरीदे हैं, एक भैया है उनका नाम है अतीउ रहमान, उनका भी बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, तो उन्होंने कहा था कि जब आप स्कूल में जाएंगे तो एक टाई ले लेने के लिए। तो चलिए अब निकलते सीधा घर, गर्मी बहुत है। तब दीवी कहाँ जाएगी? तो तुम्हारे स्कूल से हम आ गए शिवम, ठीक है? हाँ, तो चलिए अभी पोलियो का दवाई खाने के लिए जाएंगे। क्या खाने जाओगे? चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। शिवम तो गंदा लड़का है। क्या क्या हुआ? तो चलिए आज हम लोग का दो अच्छा काम हो गया, पहला तो फीस का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, और दूसरा पोलियो भी खिला दिया बाबू लोग को। 3 hours later. तुम्हारा हाथ में कहाँ लगाया था? कौन सा हाथ में लगाया था कलर? अच्छा यहाँ पे। अच्छा तुम अभी कहाँ जा रहा है? मैं पार्क जा रहा हूँ। पार्क जा रहा है? हाँ, पार्क ही है। मम्मी रेडी हुई? मम्मी और हाँ, देख क्या मम्मी को, मम्मी रेडी हुई क्या? हो गई है। दिविशा भी रेडी हो गई है? ठीक है। तुसी यहाँ पे पूजा कर रही है, थोड़ा पहले ही कर ले रही है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पार्क घूमने के लिए, और पार्क हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि शिवम जीत पकड़ लिया है। पिछले हफ्ता भी बोल रहा था कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन नहीं लेके जा पाए थे, और अभी जब सो करके उठा तो जीत पकड़ लिया कि घूमने जाना है, घूमने जाना है। बोल रहे थे कि पापा बोले थे लेके जाएंगे पार्क, तो अभी इन लोग को घुमा के लेके आते हैं, ठीक है? इसको यहाँ बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे मछली आता है ना, पानी जो हो रहा है उसको देख रही है। कितना सारा मछली है ना शिवम? ले लेते हैं। दिविशा इधर आ नहीं रही है, वो मम्मी के साथ है उधर, और हम और शिवम इधर घूम रहे हैं। क्या शिवम, अच्छा है लॉलीपॉप? बेटा मम्मी खोजो, मम्मी को किधर है? देखो देखो किधर गई, किधर गई? मिल गया शिवम को मम्मी। ये घूम रहे यहीं पे, यहीं पे आगे ना जा रही है ना उधर जा रही, वहां से यहां बस आ रही है ना, आगे ना पीछे, यहीं से घूम रही है। शिवम खा रहा है फुचका, हम लोग भी खाएंगे फुचका। कैसा? तुम भी खाएगा? तो अभी सुबह हो गया है, और कल रात को हम लोग बहुत एंजॉय किए थे पार्क में जा करके, तो रात में आकर के हम कोई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत थक गए थे, और बच्चा लोग भी रो रहा था। और अभी जो है संतोषी पूजा कर रही है,
और अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।